डायबिटीज जो हुआ कि खून में चीनी का मात्रा एक लिमिट से ऊपर चला जाता है, जैसे कि खाली पेट 126 और खाने के 2 घंटे के बाद 200, तो उसको लोग डायबिटीज बोलते हैं। अब है क्वेश्चन उठता है कि डायबिटीज में किसी को हो जाता है तो क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज जो होता है इसमें खून का में चीनी का मात्रा बढ़ जाता है, और चीनी का मात्रा बढ़े नहीं उसको रोक के रखे या उसको कम करके रखे या उसको सही करके रखे, उसकी जिम्मेदारी इंसुलिन के ऊपर निर्भर करता है। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज से बनकर बाहर खून में जाता है, और उसका काम होता है खून में से ग्लूकोज को निकाल निकाल करके कोशिकाओं में पहुंचा देना, जहां पे ग्लूकोज का इस्तेमाल हो जाता है और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। जब इंसुलिन कम होता है तो वो ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर में पहुंचाने में समर्थ नहीं होता है, और उसी कारण से खून के अंदर ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज को हो जाना। तो जब डायबिटीज हो जाना तब बोलते हैं जब एक लिमिट से क्रॉस कर जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देते हैं अगर किसी को डायबिटीज हो चुका है तो उसके लक्ष्य क्या है, कहाँ अगर शुगर ले आते हैं तो हम मान के चले वो मरीज या वो व्यक्ति डायबिटीज से कंट्रोल में है और डायबिटीज से होने वाली परेशानियों से बचे हुए हैं। तो सबसे पहले फास्टिंग की बात करते हैं। जब कुछ भी नहीं खाए होते सवेरे उस वक्त का शुगर 70 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए, और खाने के 2 घंटे के बाद 100 से लेकर 140 के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा शुगर आपका है तो इसका मतलब आपका जो दवाई है वो सही सही काम कर रहा है, या आप परहेज पर हैं तो आपका परहेज सही से काम हो रहा है। इसके बाद आता है कि डायबिटीज में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा डायबिटीज कंट्रोल हो। तो डायबिटीज में सबसे पहले हमारा भोजन पर ध्यान देना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए और जांच कराते रहना चाहिए, देखना चाहिए कि सही है या नहीं है, लक्ष्य के अंदर में है कि टारगेट्स पे है कि नहीं है। अगर वो टारगेट के अंदर है तो इसका मतलब डायबिटीज होने वाली जो परेशानी है, जैसे आंख का खराब होना, हार्ट का खराब होना, किडनी खराब होना, पैर का नस में जो प्रॉब्लम होता है, ये सब होना, या घाव कहीं ठीक नहीं होना, या कोई इन्फेक्शन होने से वो ठीक नहीं होना, या इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो जाना, ये सारी चीजों से आप बच सकते हैं। तो उसके लिए ग्लूकोज का रेंज में होना बहुत ही जरूरी है। और रेंज क्या है हम आपको पहले बता चुके हैं कि खाली पेट 70 से लेकर 100 के बीच में और खाने के बाद 100 से लेकर 140 के बीच में। तो 30 मिनट रोज टहलना है सप्ताह में कम से कम 5 दिन। शुरुआत अगर करते हैं टहलना तो धीरे धीरे शुरू करें। पहला दिन आप 5 मिनट 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं। टहलना एक स्वस्थ व्यायाम है, सबसे अच्छा व्यायाम है, आसान व्यायाम है, सबको किसी को सिखाना नहीं पड़ता टहलना है। जैसे समय बीतता है 30 मिनट रोज टहलना है, और समय के बिना झटक के टहलना है। तो ये चीज हुआ कि 30 मिनट टहलना है, झटक के टहलना है, लेकिन शुरुआत आपको धीरे धीरे करना है। खास के ऐसे लोग जो पुराने डायबिटीज हो या बहुत ओल्ड एज में हो या इसके घुटना में दर्द है, वैसे लोग नहीं भी चल सकते हैं, और चले तो थोड़ा सा जांच उच करा के चले, जो देख ले शुगर, जिसका शुगर बहुत ही कम हो रहा हो वैसे लोग अचानक व्यायाम करने जाए, खास करके शुरुआत के कुछ दिनों में, शुरुआत के कुछ दिनों में तो शुगर कम भी हो सकता है, क्योंकि व्यायाम करने के साथ आपका शुगर का खपत बढ़ जाता है और शुगर खून में कम भी हो सकता है। इसलिए शुगर एकदम ही कम हो, मैंने 70 से लेकर हम 100 बोल रहे हैं, शुगर होना चाहिए खाली पेट, वहां 70 पे ही शुगर है और आप व्यायाम करने चले जाएंगे तो निश्चित ही शुगर कम हो जाएगा और आप बेहोश हो जाए व्यायाम के करने के दौरान। तो ये हो गया भोजन में, जो सबसे व्यायाम के साथ भोजन पर ध्यान देना। अगर आपका शुगर एकदम रेंज के निचले किनारे पे है, जैसे 100 से लेकर 140 होना चाहिए, खाने के 2 घंटे बाद 100 पर ही है, वैसा आदमी व्यायाम करता है तो उसको घटने की संभावना बनी रहती है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खास कर एक चॉकलेट कैरी कर सकते, चॉकलेट साथ में ले जा सकते हैं, अगर शुगर घट गया तो अपने चोट खा लीजिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात, खाना में हम क्या खाएं, तो हम लोग बोलते हैं खाना को 3 भाग में लगभग बराबर हिस्से में बांट कर खाना चाहिए। आप 2 हिस्से में क्यों नहीं, 1 हिस्से में क्यों नहीं, 24 घंटा में। सबसे जरूरी चीज है जब हम खाना खाते हैं, खाना जब डाइजेस्ट होता है यानी पचता है तो ग्लूकोज निकलता है। एक बार हम ज्यादा खाएंगे तो एक बार हम ज्यादा ग्लूकोज निकलेगा, क्योंकि हमारा शरीर कमजोर है, इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में निकाल नहीं पा रहा है, या इंसुलिन इतना रेजिस्टेंस है, इंसुलिन अब पहले से कम काम कर रहा है। तो ऐसे परिस्थितियों में अगर एक बार में उसको लोड दीजिएगा तो वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा जल्दी, अगर उसको धीरे धीरे लोड दीजिएगा तो वो लिमिट नहीं क्रॉस करेगा। यानी एक 24 घंटे में अगर हम 3 बार खाएं तो 24 घंटे में 4 बार खाते हैं, तो 4 बराबर हिस्से में बांटते हैं या 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो लोड कम हो जाता है, और एक बार में लोड कम हो जाता है तो हमारा जो इंसुलिन है वो उसको कंट्रोल करने में पर्याप्त हो जाता है। तो
ये इम्पोर्टेंट बात हुआ कि आप जो खाना खाते हैं उसको बराबर हिस्से में बांटे खाइए, ऐसा नहीं कि दो ही बार खा रहे, एक सवेरे और एक रात में। तो इससे क्या होगा, आपका शुगर का मैनेज करना शरीर के लिए मुश्किल होगा। तो जब आप खाते हैं खाना पचता है, खून में शुगर जाता है, शुगर बढ़ना शुरू करता है, इंसुलिन देना निकालना पड़ता है, क्योंकि शरीर कमजोर है, एक बार इंसुलिन नहीं निकाल सकता है। तो वो उसको क्या करता है, शुगर लिमिट क्रॉस कर जाता है, इसमें बढ़ जाता है शुगर, फिर आपको परेशानी होती है। जैसे कि लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं बैंक में, जिससे पैसा कम होता है, ठीक उसी तरह से खाना को 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में देना है कम से कम। खाने में अब होना क्या चाहिए, खाने में सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक थाली अगर हम भरते हैं तो आधा थाली रोटी और दाल से होना चाहिए। 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी शरीर के काम के हिसाब से, अगर कोई आदमी बहुत मेहनत कर रहा है तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जो कम मेहनत कर रहा है उस थोड़ा कम, जो दिन भर बैठे रहता है उसको और कम होना चाहिए। तो आधा थाली में आप दाल रोटी रख लीजिए, आप तो दाल के जगह बदल सकते, दाल का नाम जितनी भी कोई भी दाल ले सकते हैं, रोटी के जगह आप गेहूं के जगह आप मक्के की रोटी भी ले सकते हैं, और आधा थाली में साग सब्जी और सलाद मिलाकर होना चाहिए। यानी साग सब्जी और सलाद का बहुत महत्व है, और जहां तक रोटी है तो उसमें जो चोकर युक्त होना चाहिए, दाल है तो पूर्ण दाल, दाल मतलब जो पूरे दाल छिलका सहित खाना चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रखना है, साथ में क्या नहीं खाना है। तो जो चीज हम लोग खाना कौन सा मना करते हैं, तो आप जान सकते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम का चीज होता है। ग्लाइसेमिक का मतलब होता है कि खून में ग्लूकोज, इंडेक्स का मतलब बढ़ना या सुख बढ़ना नहीं, उसका सूचना देना। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि अगर कोई खाना खाते हैं तो खून के अंदर वो कितना जल्दी से उस ग्लूकोज को बढ़ा देता है, उसको लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो जो खाना जल्दी बढ़ा देता है उस चीज हम नहीं खा सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज पीना सीधे बढ़ाएगा, चीनी खाना सीधे बढ़ाएगा, गुड़ खाना सीधे बढ़ाएगा, तो ये सब तो हाई लेवल पे है। या शहद खाना या आप खजूर खाना, ये सब जो है एकदम हाई लेवल पे है, एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। लेकिन ऐसे खाना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, ग्लूकोज सबसे हाईएस्ट होता है 100 होता है, ऐसे ग्लाइसेमिक खाना जो कि 50 के नीचे रहता हो, 40 के नीचे तो और अच्छा है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी खाना का उसके फाइबर के मात्रा बढ़ने से, जैसे कि छिलका सहित खाने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, यानी ग्लूकोज जो है शरीर में धीरे धीरे बढ़ता है। जब धीरे धीरे बढ़ता है तो उसको आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपका बैंक में से लोन लेते हैं, उसको धीरे धीरे पेमेंट करना, 5 साल में पेमेंट करना हो, 10 साल में, 10 साल में पेमेंट करना हमारे लिए और आसान हो जाता है 5 साल के तुलना में। तो यही चीज होता है यहाँ पे, अगर हम खाना में फाइबर देते हैं, फाइबर का मतलब छिलका हुआ, जो चीज पचता नहीं है, जैसे आलू का छिलका हुआ, आलू तो मना ही करते हम लोग खाने, लेकिन हम दाल का छिलका हुआ, गेहूं का चोकर हुआ, तो ये सब चीज हम खाते हैं, या कोई फल खाते हैं इसमें छिलका खाया जा भी सकता है तो छिलका सहित खाए। तो ऐसी चीज खाने से, जैसे सेब होता है आधा टुकड़ा एक टुकड़ा ले रहे हैं तो उसको खा सकते हैं छिलका सहित, अमरूद खाते हैं तो छिलके सहित खाइए। तो ये सब खाने से क्या होता है, छिलका खाने से फाइबर जाता है, एक तो आपका पाचन बढ़िया होता है, एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़िया होता है, एक आपका वजन कम होता है, एक आपका वजन कम होता है तो शरीर का सारी चीज कम होता है, सही होता है। साथ में ग्लूकोज के जो अचानक बढ़ जाता है हमारे खून में, उसके बढ़ने की गति धीरे होता है, और जब धीरे होता है तो जैसे होता है ना एक बाढ़ धीरे धीरे आ रहा है, एक तूफान धीरे धीरे हवा आ रहा है, तो उसको पसर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक हवा इसमें बहुत गति है तो हमारे घर को गिरा सकता है। तो यहाँ जो गति बहुत मायने रखता है, अगर खाना में ऐसी चीज खाएं, आखिर रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट, रोटी से भी ग्लूकोज मिलता है, और चावल से भी ग्लूकोज मिलता है, और चीनी से भी ग्लूकोज मिल रहा है, लेकिन जो ग्लूकोज मिलने का जो गति है वो बहुत ज्यादा चीनी में तेज है, तो इसीलिए चीनी मना किया जाता है। साथ साथ में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है चीनी में, ग्लूकोज का जो एनर्जी का वॉल्यूम ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो आप खाने समय में भूल जाएंगे कि मेरा पेट भर, जब भरेंगे तो ज्यादा भरा जाएगा, ज्यादा खिला जाएगा आपसे, आपके शरीर की जरूरत से ज्यादा चल जाएगा, ऊपर जल्दी निकल भी जाता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यही बताता है कि जल्दी निकलना, धीरे धीरे निकलना है, और मात्रा भी ऐसा ही होना चाहिए जो शरीर की जरूरत हो, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो खाने में लगभग मिला करके हुआ कि आपको हरा साग सब्जी सलाद आधा थाली होना चाहिए, दाल रोटी जो है आधा थाली होना चाहिए, तो आप दाल के जो बदल भी सकते हैं, प्रोटीन और भी कोई ले सकते हैं, जैसे दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, या पनीर ले सकते हैं, लेकिन मात्रा कम होना चाहिए, सोयाबीन की सब्जी ले सकते हैं उसके जगह पे, तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना है। तो को क्या करना चाहिए, तो सबसे जरूरी चीज है आपकी खाना के साथ जांच करा के देखना है,
जांच शुरू में पहली बार आते हैं शुगर बढ़ा हुआ है, तो आप सप्ताह के बाद बात करा करके, जैसे एक सप्ताह कराए, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह कराए, 2 बार 3 बार में आपका शुगर कंट्रोल में आता है। उसके बाद क्या काम होता है कि आप अपने घर पे या नजदीक के किसी जांच घर में जाके अपना शुगर चेक करा सकते हैं। अगर शुगर खाली पेट 70 से 100 के बीच में, खाने के 2 घंटे के बाद 100 से 140 के बीच में, तो आपको दिक्कत भी नहीं है कुछ भी, तो आप दवा जो खा रहे हैं उसको खाते रहिए, लगातार बनाए रखें, और आपको तुरंत तुरंत डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है। आप 3 महीने में आ सकते हैं, और साल में तो एक बार आना ही चाहिए, चाहे कोई दिक्कत क्यों नहीं हो, यहाँ तक आपकी जांच भी सब कुछ सही हो तब पर भी, क्योंकि आप मामूली जांच ही अगल बगल में कराते रहते हैं, क्योंकि आँख देखना, किडनी देखना, हार्ट देखना, सब देखना एक पर पड़ता है। तो चीज़ों को समझना जरूरी है यहाँ पे, कि आप शुरू में आप लगातार 5 दिन 7 दिन या 10 दिन पर चेक करा कर शुगर कंट्रोल कर लें, उसके बाद एक बार कंट्रोल हो जाता है तो आप 3 महीने या 6 महीने पर आकर चिकित्सक से मिल सकते हैं। शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज में अक्सर ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है, तो नमक मध्यम खाना चाहिए। हरा साग सभी तो डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद है और ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए भी फायदेमंद है। साथ में नींद सही होनी चाहिए, मन में शांति होना चाहिए, तनाव से मुक्त होना चाहिए, नींद भरपूर लेना चाहिए। तो ये संक्षेप में होता है कि आप सही भोजन ले रहे हैं, सही व्यायाम कर रहे हैं, नींद सही है, तनाव से रहित है, तो ये सब चीज आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। और रही बात हर डायबिटीज के मरीज को क्या जानना जरूरी है, कि ग्लूकोज घटने का लक्षण, अचानक अगर चीनी में ग्लूकोज कम हो जाए, 70 के नीचे आ जाए, जांच में 70 के नीचे, तो ग्लूकोमीटर से चेक कर सकते हैं, अगर 70 के नीचे है तो समझ गए ग्लूकोज घट गया है। या आपको क्या क्या लक्षण हो सकता है उसे बस कैसे पता करें, चक्कर आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, धड़कन आना, पसीना तेज ज्यादा आना, मुंह के होठ के आर्द्र झुंझुनाहट सा होना, बेहोशीपन लगना, या अच्छा नहीं महसूस करना, असहज महसूस करना, ऐसी कोई भी परिस्थिति आए तो आपको तुरंत शुगर चेक करना चाहिए। अगर शुगर चेक करने की व्यवस्था नहीं है, आप डायबिटीज के मरीज दवा ले रहे हैं, तो आपको तुरंत कुछ उस वक्त खा लेना चाहिए। अगर आपके पास चीनी हो तो चीनी खा लेना चाहिए, 25 ग्राम या 50 ग्राम या 100 ग्राम तक। चीनी नहीं हो तो जूस पी सकते हैं 100 ml, वो नहीं तो चॉकलेट 2 ठो खा सकते हैं। वो नहीं है तो कुछ भी खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि रोटी हुआ या दाल हुआ या सब्जी जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे कुछ भी खा करके अपने ग्लूकोज के लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। खासकर जितना शुरू में करेंगे उतनी परेशानियां कम होगी, इसलिए आपको ग्लूकोमीटर होना चाहिए। ऐसा होता है तो तुरंत ऐसा करके अपने आप को बचा लें। यही मुख्य जो डायबिटीज का इलाज होता है, इस पर आपको ध्यान देना जरूरी है।